उज्जैन की घटना सामने आई है, हमने कह दिया है कि नमाज पढ़ना कोई मना नहीं है, रोजे भी खूब करो इसकी भी कोई मना नहीं है, अगर आपको मुहर्रम के जुलूस निकालना है परंपरागत के जुलूस निकालो इसकी भी मनाही नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहां पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नवाजे कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है, देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे जी एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है, ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का, और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है, इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा।